हम लोग गणितीय आगमन के सिद्धांत पे जो है आधारित क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो एग्जाम्पल वन ये आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है। अच्छा, एक ये है कि इसमें पूरे चैप्टर में जो आपको जो तरीका होगा हर सवाल को करने का एक ही तरीका होगा, तो इसलिए अगर एक दो सवाल आप अच्छे से समझ लें तो फिर कोई भी क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्वेश्चन है, इसलिए हम लोग थोड़ा ध्यान से करेंगे। सभी एन ग्रेटर देन वन इक्वल टू वन के लिए सिद्ध कीजिए कि वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। यानी ये हमारा क्या लिखा है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग। ये हमारा फार्मूला भी होता है आगे चल के आप लोग पढ़ेंगे कि प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है वो होता है एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अगर प्रथम तीन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग निकालना हो तो एन की जगह पे यहाँ पे क्या रख दें, तीन। तो तीन तीन और चार 12 हो गया, और तीन दूनी छह एक 7, और 12 को 6 से काट दिए तो ये 14 आ जाएगा। यानी तीन त्रिक्का 9 एक 10 और 4 14। तो इसको आप हम लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारा ये फार्मूला, हमको इसको गणितीय आगमन सिद्धांत से सिद्ध करना है। तो गणितीय आगमन सिद्धांत में दो स्टेप होता है। पहला स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि जो कथन होता है उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, पीएन। पीएन हमारा ये कथन जो है, हमारा पीएन है ये कथन, इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, कथन पीएन। यानी वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट एन स्क्वायर, ये हमारा कथन क्या है, पीएन। और इसकी वैल्यू कितनी है, एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। अब ये हम लोग n बराबर, पहला स्टेप होता है n बराबर वन के लिए हम लोग चेक करते हैं कि ये कथन सिद्ध सही है कि नहीं सही है। तो n बराबर वन के लिए हम लोग पहले चेक करेंगे, n बराबर वन के लिए, क्योंकि n की वैल्यू वन और वन से बड़ी के लिए ये हमारा है, n बराबर वन के लिए। तो p1 हमारा क्या हो जाएगा, P1 हमारा क्या हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिखे, P1 हमारा क्या हो जाएगा, 1। ठीक है, और दिस इक्वल टू हमारा क्या होगा, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखें तो 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 1 प्लस 1 बाई 6। तो P1 हमारा जो आ गया, देखिए हमारा ये 1 के इक्वल आ रहा है, ये 1 इंटू 2 और दो कम दो एक तीन, तीन दूनी छः, छः बटा छः क्या आ गया, 1। यानी ये हमारा कथन P1 सत्य है, अर्थात n बराबर 1 के लिए सत्य है। कि इधर जो एक वन स्क्वायर जो आ रहा है, यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखने पे वही हमारा दोनों वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम लोग अगला स्टेप, दूसरा स्टेप क्या रहता है, ये हमारा फर्स्ट स्टेप रहता है। सेकेंड स्टेप हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि n बराबर k के लिए ये हमारा कथन सत्य है, और उसका उपयोग करके हमको n बराबर k प्लस 1 के लिए सत्य सिद्ध करना रहता है। तो इसमें अगला स्टेप हम लोगों का क्या होगा, हम लोग क्या कहेंगे, किसी धन पूर्णांक k के लिए माना पी के सत्य है, पी के सत्य है, यानी पी के सही है ये हम लोग मानेंगे। अर्थात पी के का मतलब हमारा क्या हो जाएगा, पी के यहाँ पे जो पी के वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस कहाँ तक हो जाएगा हमारा, के स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पी एन हमारा क्या है, यहां कहां तक जाता है, एन तक, तो के है तो के तक जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या, पी के सत्य है, तो इसकी वैल्यू एन बराबर के रखने पे के के प्लस वन टू के प्लस वन बाई सिक्स, ये हमको मिल गया, ये सत्य है। इसको हम लोग अपना समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। ठीक है, अब हमको ये सिद्ध करना है कि पी के प्लस वन सत्य है। अब हमें सिद्ध करना है कि
पी के प्लस वन सत्य है, यानी पी के प्लस वन अगर सत्य होगा तो वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डाटा के प्लस वन का होल स्क्वायर, यहाँ पे के प्लस वन पुट करने पे जो आएगा वो हमारा होना चाहिए, यानी पी के प्लस वन सत्य है, अर्थात यानी पी के प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट कहाँ तक जाएगा, ये के प्लस वन का होल स्क्वायर, यानी पी के प्लस वन जो हमारा होगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। अच्छा, पी के प्लस वन में हमारा क्या होगा, के वाले से एक टर्म केवल ज्यादा होगा, ये अगर के स्क्वायर तक गया प्लस और प्लस इसमें एक टर्म अगला क्या जुड़ गया हमारा, के प्लस वन का होल स्क्वायर है। तो ये जो हमारा पूरा यहाँ पे जो लिखा है वन स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के स्क्वायर, इसकी जगह पे हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, के इंटू के प्लस वन, टू के प्लस वन बाई सिक्स। ठीक है, तो हम लोग वन का जब प्रयोग करेंगे समीकरण एक का, तो पी के प्लस वन हमारा हो गया, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ये के, यानी हमारा जो पी के प्लस वन हमारा हो जाएगा के प्लस वन टू के प्लस वन बाई सिक्स प्लस ये हमारा के प्लस वन का होल स्क्वायर, समीकरण एक से वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, समीकरण एक से प्लस थ्री स्क्वायर प्लस डॉट डॉट के स्क्वायर बराबर के इंटू के प्लस वन टू के प्लस वन बाई सिक्स रखने पर, ये हम लोग यूज कर लिए, यानी पी के प्लस वन था हमारा के प्लस वन तक होल स्क्वायर, तो के स्क्वायर तक की वैल्यू को हम लोग ये पुट कर दिए। अब हमारा पी के प्लस वन हो गया ये, अब इसको हमको क्या बनाना है, पी के प्लस वन सत्य करने के उस फॉर्म में हमको बनाना है कि यहाँ पे अगर के प्लस वन पुट करेंगे हमारा तो क्या आएगा, के प्लस वन के प्लस टू और उस टाइप का हमको बनाना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम लिए तो हमारा क्या हो गया, के इंटू के प्लस वन टू के प्लस वन प्लस सिक्स इंटू के प्लस वन का होल स्क्वायर बाई सिक्स, दिस इक्वल टू हमारा के प्लस वन जो है यहाँ भी है और के प्लस वन यहाँ भी है, दोनों से कॉमन कर लेते हैं के प्लस वन, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, के इंटू टू के प्लस वन और यहाँ पर क्या बचेगा हमारा, सिक्स इंटू के प्लस वन बाई सिक्स, दिस इक्वल टू हमारा हो गया के प्लस वन, के प्लस वन और यहाँ हमारा क्या बचा, के ये हो जाएगा हमारा टू के स्क्वायर, ये ब्रैकेट वाला हम लोग सॉल्व करते हैं, टू के स्क्वायर प्लस के और प्लस सिक्स के प्लस सिक्स प्लस सिक्स, ये दूसरा ब्रैकेट अपॉन सिक्स, ये हम लोग इतना पहुंच गए हम लोगों का ये। अब इसी में एक स्टेप हम लोग और कर लेते हैं, दिस इक्वल टू हमारा हो गया एक ब्रैकेट में तो हमारा के प्लस वन हो गया, अगले ब्रैकेट में हमारा टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स, टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स बाई सिक्स, दिस इक्वल टू के प्लस वन, के प्लस वन और टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स का हम लोग अगर फैक्टर करें, टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स का हम लोग फैक्टर कर लेते हैं यहाँ पे जहाँ पे जगह हो, टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स, तो ये हो जाएगा हमारा छः दुनी बारह, तो चार तीन बारह, यानी टू के स्क्वायर प्लस फोर के प्लस थ्री के प्लस सिक्स, हम लोग टू के यहाँ से कॉमन करेंगे तो यहाँ के प्लस टू, यहाँ से थ्री कॉमन करेंगे के प्लस टू, के प्लस टू पूरे से कॉमन कर लेंगे तो के प्लस टू और टू के प्लस थ्री, ये हमारा क्या हो गया, फैक्टर हो गया। तो दिस इक्वल टू इसका फैक्टर हम लोग क्या लिखेंगे, के प्लस टू इंटू टू के प्लस थ्री बाई
सिक्स। अब इसको हम लोग थोड़ा मैनिपुलेट करते हैं, ये हमारा k प्लस वन है और k प्लस टू की जगह हम लोग क्या रखेंगे, k प्लस वन प्लस वन, और 2k प्लस थ्री की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 2 इंटू के प्लस वन प्लस वन बाय सिक्स ये। अब इसको अगर ध्यान से देखिए तो हमारा जो पी के प्लस वन वो हमारा क्या आ गया, यहां यहां हम लोग n की जगह k प्लस वन रखें, k प्लस वन के प्लस वन रखेंगे, के प्लस वन प्लस वन, टू इंटू के प्लस वन प्लस वन बाई सिक्स। यानी अगर हमारा पी के प्लस वन सत्य होता तो यहाँ पे जो है के प्लस वन एन बराबर रखने पे जो आना वही हमारा पी के प्लस वन की वैल्यू आनी चाहिए, और वही हमारा पी के प्लस वन की वैल्यू आ गई, इसीलिए हमारा क्या है, पी के प्लस वन सत्य है। तो एक बार हम लोग फिर से समझ लेते हैं कि हमको सिद्ध करना है कि वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस फोर डॉट डॉट एन स्क्वायर इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। तो इसको हम लोग पी एन ले लेते हैं कि सभी प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग हमारा एन इंटू एन प्लस वन टू एन प्लस वन बाई सिक्स। ये हम लोग आगे चल के फार्मूला भी याद रखना पड़ता है, ये होता है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, n बराबर 1 के लिए देखेंगे, तो n बराबर 1 के लिए तो ये हमारा कहां तक जाएगा, 1 तक, और इसमें n बराबर 1 रखें तो 1 इंटू वन प्लस वन टू इंटू वन प्लस वन, तो ये हमारा क्या होगा, ये 1 1 2 हो गया, 2 इंटू वन टू, और ये 3 6 बाई सिक्स 1, यानी p1 हमारा सत्य है, n बराबर 1 के लिए सत्य है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि किसी धन पूर्णांक के लिए हम लोग मान लेंगे कि ये सत्य है, तो धन पूर्णांक के लिए सत्य होगा तो पी के बराबर हमारा क्या हो जाएगा, जो पी के हमारा होगा वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर, ये कहाँ खत्म होगा, के स्क्वायर बराबर, इस साइड में हम लोग एन की जगह के रख देंगे, के के प्लस वन टू के प्लस वन बाई सिक्स। इसको हम लोगों ने समीकरण नंबर वन मान लिया, क्योंकि इसी के हेल्प से हम लोग सिद्ध करेंगे पी के प्लस वन। तो पी के प्लस वन हमको सिद्ध करना है कि ये सत्य है, यानी पी के प्लस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी, वन स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर डॉट डॉट के प्लस वन का होल स्क्वायर। तो k प्लस वन का होल स्क्वायर यानी पी के प्लस वन में वन स्क्वायर से लेके k स्क्वायर तक प्लस ये वाला एक्स्ट्रा टर्म है k प्लस वन, ठीक है। अब फिर हम लोग वन स्क्वायर से k स्क्वायर तक का सम क्या रख दिया, k k प्लस वन टू के प्लस वन बाई सिक्स। तो ये हमारा जो पी के प्लस वन की वैल्यू हो गई, k इंटू के प्लस वन टू के प्लस वन बाई सिक्स प्लस के प्लस वन का होल स्क्वायर। यहां पे हम लोगों ने क्या लिखा, समीकरण एक से वन स्क्वायर प्लस थ्री स्क्वायर प्लस के स्क्वायर बराबर के इंटू के प्लस वन टू के प्लस वन बाई सिक्स रखने पर। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा एलसीएम लेते हैं, तो हमारा हो गया के के प्लस वन टू के प्लस वन प्लस सिक्स के प्लस वन का होल स्क्वायर बाई सिक्स। दिस इक्वल टू, यहाँ भी के प्लस वन है, यहाँ के प्लस वन, दोनों से कॉमन कर लिए, ब्रैकेट में यहाँ क्या बचा, के इंटू टू के प्लस वन प्लस सिक्स के प्लस वन, इसको के से मल्टीप्लाई किए तो ये हमारा हो गया के प्लस वन टू के स्क्वायर प्लस के प्लस सिक्स के प्लस सिक्स। अब इसको हम लोग जब सॉल्व किए तो ये हमारा क्या हो गया, के प्लस वन टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स, और टू के स्क्वायर प्लस सेवन के प्लस सिक्स का हम लोग फैक्टर किए तो के प्लस टू टू के प्लस थ्री आ गया। तो ये हमारा हो गया फाइनली के प्लस वन के प्लस टू इंटू टू के प्लस थ्री बाई सिक्स। अभी हमारे इसको क्या लिख लिया, के प्लस वन और के प्लस टू को के प्लस वन प्लस वन, और टू के प्लस थ्री को टू इंटू के प्लस वन प्लस वन। तो ये हमारा देखिए, यहाँ k प्लस वन अगर हम लोग n की जगह पे रखते तो हमारा क्या आ जाता, k प्लस वन के प्लस वन प्लस वन टू इंटू के प्लस वन प्लस वन, वही हमारा आ गया, इसलिए हमारा k p k प्लस वन। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि p k प्लस वन सत्य है, सत्य है, अर्थात pn जो हमारा है n ग्रेटर देन वन के लिए सत्य है। यही स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे किसी भी क्वेश्चन में। अब हम लोग इसमें जो अपना सेकंड एग्जांपल है वो देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने लिखा है, सभी धन पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए 2 के पावर n ग्रेटर देन n। तो इसमें फिर हम लोगों का वही तरीका हो गया कि पी एन हम लोग मानेंगे कि जो हमारा पी एन है, ये सोलूशन हमारा होगा पी एन, ये हमारा क्या है 2 के पावर n ग्रेटर देन n, जो स्टेटमेंट दिया रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं, पी एन मान लेते हैं। अब n बराबर 1 के लिए हम लोग देखते हैं, n बराबर 1 के लिए n बराबर 1 पुट करेंगे तो 2 के पावर 1 और एक ग्रेटर देन 1 आ रहा है 2 के पावर 1 ग्रेटर देन 1, अतः पी वन सत्य है।
इसका मतलब क्या है कि n की कोई वैल्यू रखो और 2 के पावर उसका करो तो उस n से जो है 2 के पावर की वैल्यू बढ़ी आएगी। तो n बराबर 1 के लिए चेक किए तो n की वैल्यू 1 रखे तो 2 के पावर 1 ग्रेटर देन 1 है। हाँ, ये जो इधर आ रहा है ये बड़ा है, ये P1 सत्य है, ठीक है। अब माना जो है हम लोग मान लेंगे कि पी के सत्य है, n बराबर k रखने पर हमारा जो है पी के ये क्या हो जा रहा है, सत्य है। यानी पी के हमारा सत्य होगा तो पी के हमारा क्या है, पी के हमारा होगा एन बराबर के रखेंगे यानी टू के पावर के ग्रेटर देन के। इसको हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब हमको सिद्ध करना है कि पी के प्लस 1 सत्य है। अब हम सिद्ध करेंगे कि पी के प्लस 1 सत्य है। अगर पी के प्लस 1 सत्य हो गया, अच्छा पी के प्लस 1 को हम लोग जब जहां पे अब लिखेंगे कि पी के प्लस 1 सिद्ध सत्य है तो पी के प्लस 1 होना क्या चाहिए हमको, यानी पी के प्लस 1 जो हमारा होगा कब माना जाएगा सिद्ध है, जब हम लोग इसमें क्या रखें एन की जगह पे के प्लस 1 यानी 2 के पावर k प्लस 1 और यहां पे ग्रेटर देन हमारा क्या सिद्ध हो जाए k प्लस 1। तो ये हम लोग वहां पे लिख लिया करेंगे अब जब भी हम लोग सिद्ध करेंगे कि हमको लाना क्या है, पहुंचना कहां है, 2 के पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1, ये हमको दिखाना है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोगों को क्या पता है 2 के पावर k ग्रेटर देन समीकरण 1 जो है इसको जो है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ये 2 के पावर k हमारा क्या है ग्रेटर देन के, इसका उपयोग हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये हमारा सत्य है। अब हमको ये जो है ये लाना है, इसलिए ये दिमाग में रखना है। तो यहाँ इधर हमको क्या लाना है 2 के पावर के प्लस 1, तो हम लोग दोनों संख्या में अगर पॉजिटिव जो है ये इनइक्वालिटी है बड़ा छोटा का तो दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर देंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहले बड़ा होगा वही बाद में, धनात्मक संख्या से गुणा करने पर ये जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करें, दोनों पक्षों में 2 से गुणा करने पर तो ये हमारा क्या है 2 के पावर के ग्रेटर देन के है, तो हम लोग 2 से जब गुणा करेंगे तो 2 के पावर के इंटू 2 ग्रेटर देन 2 इंटू के, ठीक है, ये हम लोगों का हो गया। तो इससे हमको क्या मिला कि 2 के पावर k इंटू के हमारा क्या हो गया 2 के पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2 के, मतलब क्या हो गया k प्लस k, ठीक है। अच्छा, हम लोग जो ये k लिए हैं ये 1 से तो बड़ा होगा ही क्योंकि 1 तो हमारा सबसे छोटा है, 1 के बाद ही तो कोई संख्या होगी हमारा k, 1 से छोटी तो होगी नहीं क्योंकि ये 1 हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है और बीच की हम लोग कोई संख्या k लेते हैं तो हम लोग ये तो कह ही सकते हैं कि जो k हमारा है ये ग्रेटर देन 1 होगा, k ग्रेटर देन 1 होगा, ये हम लोग एकदम गारंटी से कह सकते हैं k ग्रेटर देन 1 होगा, ठीक है। तो अब देखिए k ग्रेटर देन 1 होगा तो एक तरफ हमारा लिखा है k, एक तरफ k, दोनों तरफ k के लिखा है। अब आप देखिए इधर हम लोग 1 जोड़ देते हैं और इधर k जोड़ देते हैं, k में k जोड़ा और k में 1 जोड़ा और k हमारा 1 से बड़ा है यानी k में 1 से बड़ी संख्या जोड़ा और k में केवल 1 जोड़ा तो ये हमारा k प्लस k है, ये क्या होगा बड़ा होगा k प्लस 1 से, ठीक है। तो अब इसमें समझना है हमको कि 2 के पावर k प्लस 1 जब k प्लस k से बड़ा है, ठीक है, बड़े वाले से बड़ा है तो k प्लस 1 से तो बड़ा होगा ही। अगर आपकी लंबाई जो है 6 फुट वाले लंबाई से बड़ी है यानी k प्लस k को मान लेते हैं कि ये 6 फुट वाला है और ये मान लेते हैं 5 फीट वाला है, तो अगर आपकी लंबाई इस 6 फीट वाले से बड़ी है, आपकी लंबाई ये है k प्लस k से बड़ी है तो आपकी लंबाई 5 फीट वाले से तो बड़ी होगी ही, तो 2 के पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन 2k है तो 2 के पावर k प्लस 1 ये हमारा k प्लस 1 से तो बड़ी होगी ही क्योंकि k प्लस 1 क्या है इससे छोटा है, तो ये हमारा हो गया 2 के पावर k प्लस 1 ग्रेटर देन k प्लस 1। अतः हम लोग क्या कहेंगे
अतः इसलिए पी के प्लस वन हम लोग क्या लिखेंगे, पी के प्लस वन सत्य है। और पी के प्लस वन हमारा यही लाना था, अगर ये ला दिए तो सत्य है, तो वो हमारा आ गया पी के प्लस वन सत्य है। अर्थात अर्थात पी एन यानी टू के पावर एन ग्रेटर देन एन सभी सभी धन पूर्णांक एन के लिए सत्य है। ये तो हमारा लिखने का जो है तरीका हो गया, बाकी क्वेश्चन तो हमारा खत्म। ठीक है, तो ये सेकंड क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग करते हैं, सभी धन पूर्णांक एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन के लिए हमको सिद्ध करना है कि वन अपान वन इंटू वन प्लस वन अपान टू इंटू थ्री प्लस वन अपान थ्री इंटू फोर डॉट डॉट इक्वल टू एन अपान एन प्लस वन। तो इसको हम लोगों को क्या तरीका है, हम लोग इसको मान लेते हैं कि ये पी एन है। पी एन हमारा क्या है, वन अपान वन इंटू टू प्लस वन अपान टू इंटू थ्री थ्री इंटू फोर प्लस वन अपान, यहाँ कहा जाता है अगर एन है यहाँ पे तो पहला टर्म एन अगला टर्म एन प्लस वन और दिस इक्वल टू एन अपान एन प्लस वन, ये हमको सिद्ध करना है। तो पी वन, पी वन हमारा क्या हो जाएगा, वन तक ही जाएगा यानी वन अपान वन और वन अपान वन इंटू टू। ठीक है, ये दिस क्या इक्वल टू, यहाँ पे एन की वैल्यू वन रखो, वन अपान वन प्लस वन, तो अर्थात ये वन बाई टू इक्वल टू वन बाई टू, दोनों पक्ष हमारे क्या आ गए, बराबर आ गए। सत्य होने का मतलब किसी के लिए कि इसमें जो है वही वैल्यू रखो, इसमें वही वैल्यू रखो, दोनों की वैल्यू सेम आनी चाहिए। छोटी वैल्यू एन बराबर वन टू रख के हम लोग दोनों पक्ष चेक कर सकते हैं। एन जो है बहुत बड़ा नंबर है, एन हमको पता नहीं, इसीलिए दोनों चेक नहीं कर सकते, तो वो हम लोग गणितीय आगमन सिद्धांत द्वारा सिद्ध करते हैं, यानी अर्थात पी वन सत्य है। अर्थात P1 सत्य है। अब हम लोग मान लेते हैं, माना P के सत्य है, P के हमारा यही तो हमारा तरीका है, हम लोग P के जो है मान लेते हैं सत्य है। और P के हमारा क्या होगा, P के हमारा कहाँ तक जाएगा, वन अपान वन इंटू टू प्लस वन अपान टू इंटू थ्री वन अपान थ्री इंटू फोर प्लस डॉट डॉट वन अपान, यहाँ क्या हो जाएगा के इंटू के प्लस वन, और इधर के रखेंगे हम लोग तो के अपान के प्लस वन, ये सत्य है। और हमको क्या सिद्ध करना है, जो हमको सिद्ध करना है कि पी के प्लस वन सत्य है। सिद्ध करना है कि पी के प्लस वन, अच्छा पी के प्लस वन जो हमको सिद्ध करना रहेगा, जो हमको लाना रहेगा, वो हम लोग लिख लिया करेंगे कि पी के प्लस वन का मतलब क्या हुआ हमारा, ये कहाँ जाएगा, वन अपान वन इंटू टू प्लस वन अपान टू इंटू थ्री प्लस डॉट डॉट वन अपान, अब यहाँ पे जो एन है एन की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे के प्लस वन, तो के प्लस वन पहला हो गया, फिर अगला हमारा क्या हो गया के प्लस वन प्लस वन, दिस इक्वल टू हमको क्या लाना रहेगा, यहाँ पे n की जगह पे k प्लस वन, तो k प्लस वन अपान k प्लस वन प्लस वन इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, ये k प्लस वन अपान k प्लस टू, ये हमको लाना रहेगा। ठीक है, यानी p k प्लस वन ये हम लोग अगर ले आए तो हम लोग कह पाएंगे कि हमारा ये जो है गणितीय आगमन सिद्धांत से ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग जो है p k प्लस वन का ये वाला पार्ट लेके चलेंगे और ये वाला राइट हैंड वाला पार्ट अगर लाएंगे हम लोग ये वाला, तो हम लोग कह पाएंगे तो पी के प्लस वन हमारा क्या होगा, पी के प्लस वन हमारा क्या हो जाएगा, वन अपान वन इंटू टू प्लस वन अपान टू इंटू थ्री प्लस डॉट डॉट वन अपान के प्लस वन, और ये हो गया के प्लस वन प्लस वन। अच्छा, पी के प्लस वन इक्वल टू, पी के प्लस वन में क्या है, पी के से एक टर्म ज़्यादा है, यानी वन अपान वन इंटू टू प्लस वन अपान टू इंटू थ्री प्लस वन अपान के इंटू के प्लस वन यहाँ तक जाएगा, और प्लस ये वाला लास्ट वाला टर्म एक्स्ट्रा होगा यानी के प्लस वन,
और ये के प्लस वन को हम लोग लिख दे रहे हैं के प्लस टू। तो ये हमारा जो पार्ट होगा ये वाला के प्लस वन वाले टर्म में, जो लास्ट वाला पार्ट छोड़ के ये पूरा हमारा क्या है, ये इसको हम लोग समीकरण नंबर एक मान लेते हैं। ये हमारा क्या है, दिस प्लस दिस इक्वल टू के अपान के प्लस वन, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देते हैं, के अपान के प्लस वन, के अपान के प्लस वन प्लस वन अपान के प्लस वन इंटू के प्लस टू। ठीक है, इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख दिए, समीकरण यहाँ पे हम लोग लिख देंगे समीकरण एक से हम लोगों ने क्या यूज किया, वन अपान वन इंटू टू प्लस वन अपान टू इंटू थ्री प्लस डॉट डॉट वन अपान के इंटू के प्लस वन इक्वल टू के अपान के प्लस वन, ये हम लोगों ने यूज किया है। अब हमको क्या लाना है, देखिए पी के प्लस वन हम लोगों ने कहीं लिखा है, पी के प्लस वन ये हम लोग इसको क्या कर देंगे, ये हमको जो लाना है ये हम लोग जो है लिख लेते हैं कि हमको लाना क्या है, पी के प्लस वन है, तो ये केवल हमको जो ये सिद्ध करना है, ये केवल ये हमको पी के प्लस वन जो हमको सिद्ध करना है ये हम लोग लिख लेते हैं, यही हम लोग दिमाग में रख के चलते हैं, हमको यहीं पहुंचना है, यानी दिस इक्वल टू के प्लस वन अपान के प्लस टू लाना है हमको। बस इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा है, पी के प्लस वन हमारा, अब इसमें अगर के प्लस टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा हर बराबर हो जाएगा, तो ये के प्लस टू इंटू के अपान के प्लस वन पहले से था और के प्लस टू से मल्टीप्लाई कर दिए प्लस वन अपान के प्लस वन और के प्लस टू, दिस इक्वल टू हर बराबर हो गया के इंटू के प्लस टू ये हमारा क्या था के अपान के प्लस वन प्लस वन अपान के प्लस वन के प्लस टू, तो के प्लस टू से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो के इंटू के प्लस टू हाँ प्लस वन अपान के प्लस वन इंटू के प्लस टू, दिस इक्वल टू सिंपल सा हमारा ये क्या हो गया के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन, ये हमारा क्या हो गया मल्टीप्लाई के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन इंटू के प्लस टू, और के स्क्वायर प्लस टू के प्लस वन को हम लोग क्या लिख सकते हैं के प्लस वन का होल स्क्वायर अपान के प्लस वन के प्लस टू, के प्लस वन ये खत्म हो गया, ये हमारा क्या आ गया के प्लस वन अपान के प्लस टू, और देखिए हमको वही लाना भी था जो हमको लाना था ये हम लोग पहले ही लिख लिए थे। तो अगर ये आ गया पी के प्लस वन की वैल्यू तो हमारा सत्य है, तो पी के प्लस वन की वैल्यू आ गई हमारी के प्लस वन के प्लस टू, अर्थात पी के प्लस वन सत्य है, पी के प्लस वन हमारा क्या है सत्य है, तो पी के प्लस वन अगर सत्य हो गया तो सभी n के लिए सिद्ध हो गया हमारा।